जय श्री माता जी। आज उपस्थित सभी विश्व के सभी सहयोगियों भाई बहनों को आज के इस सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। श्री माता जी को प्रणाम करके हम सामूहिक बंधन लेते हैं। इसी अवस्था को बनाए रखते हुए अब हम तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करते हैं। Thank you.
दोनों हथेली और तालू में संतुलन अवस्था की ओर देखना है। राइट हैंड तालू के ऊपर रखते हुए सहस्रार खुलने का अनुभव देखिए। राइट हैंड गोद में रखते हुए लेफ्ट हैंड से भी ये अनुभव चेक करें। लेफ्ट हैंड तालू के 2 इंच ऊपर सहस्रार चक्र की अनुभूति और हथेली में बहने वाला चैतन्य को देखिए। धीरे से हाथ नीचे ले। इसी अवस्था में अब हम कुछ क्षण ध्यान में बैठते हैं।
इसी अवस्था में अब हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। कल आप लोगों को मैंने बताया कि सहजोग से कुंडलिनी किस तरह सहज में ही जागृत हो जाती है, और उसके बाद आपको अनुभव भी आया कि वास्तविक बहुत सहज कार्य। सो प्रश्न ये उठता है कि बहुत से लोगों का कहना है कि अगर ये सहज कार्य है तो माँ पहले इतना कठिन क्यों था। यह कठिन कभी भी नहीं था। शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है, तो उन्होंने कहा कि तत्क्षण, उसी क्षण हो जाता है, पर देने वाला भी चाहिए और लेने वाला भी चाहिए। देने वाले तो पहले बहुत होंगे पर लेने वाले कम होंगे। आज लेने वाले हजारों हैं और इसलिए कार्य इतने आसानी से हो रहा है। आज मैं आपको आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा को सिद्ध करो, ऐसा तो सबने बताया, पर उसका निरूपण कहीं हुआ नहीं ठीक से कि क्या आत्मा चीज़ क्या है और उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इसके बारे में इतने विशद रूप से किसी ने बताया नहीं, शायद उस जमाने में इतने लोग नहीं थे। कृष्ण ने एक केवल अर्जुन से ही बात करी। और जो बात अर्जुन से कही वो भी इस ढंग की है कि सर्वसाधारण बुद्धि का मनुष्य से नहीं समझ सकेगा, क्योंकि श्री कृष्ण एक डिप्लोमैट थे, डिवाइन डिप्लोमैट। वो ये जानते थे कि मनुष्य की खोपड़ी उल्टी बैठी, उसको सीधी बात बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उल्टी तरफ से बात बताने से उसका दिमाग में बात आ जाएगी। नहीं, यह हजारों वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने तीन मार्ग बताए। अब वो बिजनेसमैन तो थे नहीं, तो पहले सबसे गलत रास्ता बताते, ऐसा सस्ता माल सबसे पहले बिजनेसमैन बताएगा। तो उन्होंने सबसे बढ़िया पहले बता दिया कि तुम पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को प्राप्त करने का मतलब नहीं कि आप किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान का मतलब है आपकी मज्जा तत्व पे, आपकी मज्जा संस्था जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पे आपको जानना है, ये ज्ञान है। ज्ञ संस्कृत में शब्द है ज्ञ, जिसे आप ज्ञान कहते हैं, ज्ञानम। ये शब्द थॉमस जब आया था हिंदुस्तान, ईसा मसीह का शिष्य, तो उसने भी यूज़ किया, पर उसकी किताब 1600 साल तक लोगों ने गाड़ के रखी, उन्होंने ही गाड़ी हुई थी, 52 किताबें गाड़ के रखी डर की वजह से कि लोग उनसे कहेंगे कि ये आदमी जो है वो हेरेटिक है। हेरेटिक माने जो सही रास्ते से हटाने वाला, या ब्लास्फेमी है माने परमात्मा की बदनामी है। उन्होंने ये बात लिखी कि परमात्मा को जानना जो है वो एक अनुभव है, और जब तक वो अनुभव प्राप्त नहीं होता तब तक आप ज्ञानी नहीं हो सकते। और जो लोग उस वक्त ऐसे ज्ञानी हो गए थे, उन्होंने उनका नाम ग्नोस्टिक्स रखा था, और जो ज्ञान को नहीं मानते थे एग्नोस्टिक कहते थे। पर जैसे हर एक जगह मुल्ला या प्रीस्ट या अपने हिंदुस्तानी भी लोग जो हैं, जो कि अपने को धर्म के अवतार समझते हैं,
इन लोगों ने चाहा कि इस टॉमस की बात को फैलने देना नहीं चाहिए और बिल्कुल उसके खिलाफत में हो गए, ये सब गलत बात है, इनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, झूठ बात बोलते हैं ये है। क्योंकि जब धर्मगर पैसा कमाने का धंधा हो गया तो ये तो सब गलत हो ही जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने बता दिया कि ये लोग जो हैं बिल्कुल गलत हैं और इन लोगों का जो कुछ भी कहना है वो बिल्कुल परमात्मा के विरोध में, इनके पास कोई ज्ञान नहीं। तो बेचारों ने मारे डर के अपनी सारी किताबें इजिप्ट में गाड़ दी और वो फिर हिंदुस्तान आए। ये तब हालत थी, आज भी इतनी ख़राब हालत नहीं है। ऐसे ही हाल ईसा मसीह का रहा, ऐसा ही हाल अपने संत साधुओं का रहा। ज्ञानेश्वर जी को कितना सताया गया, उन्होंने छठी अपनी जो उनका अध्याय छठवा अध्याय उसमें उन्होंने गीता का सब तो लिखा ही है पर उसमें लिख दिया है कि कुंडलिनी के जागरण से ही आत्म साक्षात्कार होता है, तो उनके पीछे हाथ धो के लग गए। इतना उनको सताया कि 23 साल की उम्र में इतनी बड़ी किताब लिख गए वो, जिसका नाम है अमृतानुभव। वो किताब आप रियलाइजेशन के बाद पढ़िए तो लगेगा कि आप कोई स्वर्ग में हैं। और उनको इतना सताया कि उन्होंने समाधि ले ली। कबीर ने कहा कैसे समझाऊं सब जगह अंधा, सबका एक ही हाल, सबको छल छल के मारा गया। संतों का क्या हाल हुआ आप जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तुकाराम का क्या हाल हुआ और नरसिंह भगत हो गए, सब लोगों को सताने के सिवाय और लोगों ने कुछ नहीं किया, तो उनकी बात कौन सुनेगा? क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो सच्ची बात कह रहे थे। और जो लोग अपना पेट भरना चाहते हैं भगवान के नाम पर, उन लोगों से कौन बता सकता है? ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, आपको पता नहीं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि ये जो वेटिकन बना हुआ है, इसका जो बैंक है, अपने हिंदुस्तान का पैसा पहले वहाँ जाता है और फिर स्विट्ज़रलैंड जाता है। ये क्या भगवान का काम है? इसी प्रकार यहाँ भी पैसे का परमात्मा से क्या संबंध हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ये तो आपने बनाई हुई चीज़ है, भगवान को क्या पता पैसा क्या चीज़ होती है। सो इस तरह से जो ज्ञान को प्राप्त न करते हुए लोगों ने कहा, अच्छा कृष्ण ने कहा ज्ञान को प्राप्त करो तो तुम पढ़ो, वो किताबें लिख लिख के बेचेंगे, ये करेंगे, भिखारी जैसे घूमते हैं लोग और बेचते रहते हैं किताबें खरीदो। कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भाई, पंडित लोग भी मूर्ख हो गए पढ़ पढ़ के। अब मुझे बचपन में लगता था ऐसे कैसे हो सकता है कि पढ़ के कैसे पंडित मूर्ख होंगे, लेकिन अब मुझे ऐसे बहुत मिले जो महामूर्ख हैं, उनसे बात ही करने में अर्थ नहीं। अब इसलिए उन्होंने जो ज्ञान की बात कही वो कही कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चीज़ प्रतीत होती है, जो जानी जाती है, उसको ज्ञान कहा गया, उसी को बोध कहा जाता है, जिससे बुद्ध का शब्द आया हुआ। यही चीज़ विद भी है, विद से ही वेद आया। और वेद का जो पहला ही श्लोक है उसमें लिखा है कि इस सब को पढ़ने के बाद अगर आपको परमात्मा के बारे में विद नहीं हुआ तो बेकार। अभी विद शब्द भी उसी से आया, लेकिन हम लोग तो सिर्फ बुद्धि के ही माध्यम से हर एक चीज़ जानना चाहते हैं, बुद्धि से परे कोई चीज़ है ये हम समझना नहीं चाहते। इसलिए कृष्ण पहले कह देगा कि तुम ज्ञान पे आओ। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि तुम कर्म करो, लेकिन उसमें भी फिर डिप्लोमेसी है अगर आप सोचें तो, कि जो कुछ भी कर्म करो वो परमात्मा के चरणों में डाल दो। अब एक कोई मर्डर भी करके आके कह सकता है कि भाई मैंने मर्डर किया और परमात्मा के चरणों में डाल दें, ऐसा होता है कभी कभी, मैंने इसका मर्डर किया, मैंने उसका मर्डर किया, मैंने अब कन्फेशन दे दिया, हो गया काम खत्म। ये सब दिमागी जमा खर्च है,
अगर मनुष्य अपने में ऐसा एक समाधान ले ले कि जो भी मैं करता हूँ परमात्मा के नाम पर करता हूँ, तो ऐसे आदमी को सिर्फ यही कहना चाहिए कि वो गलत फहमी में है, ये गलत धारणा दिमाग में बैठा ली है, हो ही नहीं सकता। जब तक आप में मैं ये करता हूँ ये भावना है, तब तक ये चीज़ हो ही नहीं सकती। ये भावना टूटनी चाहिए और वो सिर्फ सहयोग में पार होने के बाद होती है कि मनुष्य बोलता कैसे है फिर कि ये हो रहा है, ये जा रहा है, कुंडलिनी चढ़ रही है। ये नहीं कहेगा मैं चढ़ा रहा हूँ, चढ़ रही है। तीसरे पुरुष में बात होती है, बोलने का ढंग ही बदल जाता है। खुद आकर मुझे बताएंगे कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है, इसको साफ करना। इसका मतलब है कि मुझ में अहंकार चढ़ गया है। कोई आदमी कहेगा कि मुझ में अहंकार चढ़ गया, ऐसा है कोई आपको मिला आज तक? हिटलर भी नहीं कहेगा कि मुझ में अहंकार है, लेकिन वो खुद ही आके कहते हैं कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है, इसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसका सरदर्द हो जाता आज्ञा चक्र से। तो उसकी बातचीत ही और तरह की होती है, और वो जो भी कर्म करता है वो कभी कहता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, वो कहता कि नहीं सब हो रहा है, सब घटित हो रहा है, मैं तो सिर्फ उसे साक्षी स्वरूप से देख रहा हूँ। ये कर्म की बात। अब भक्ति में भी उन्होंने किया, उनका कि फल पुष्प पानी कुछ भी तुम मुझे दोगे तो मैं स्वीकार करूँगा, वो तो अपने स्वीकार की बात है, लेकिन तुम्हारी भक्ति अनन्य होनी चाहिए। अब अनन्य शब्द पे खेल है। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होता, माने जब आप एकाकारिता में आ गए, जब आप उस विराट में समा गए तभी अनन्य होंगे ना, नहीं तो आप अन्य हैं। अनन्य होने का मतलब है कि जब आप पार हो गए, जब आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, जब आप उस विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तब आप अनन्य हैं, तब भक्ति में अर्थ है। अब ये लोग जब आपके सामने गा रहे थे, इनकी भक्ति जो है वो पहुंच जाती, क्योंकि इनका कनेक्शन बना हुआ है। जिनका कनेक्शन ही नहीं बना है, अब बहुत से लोग आएंगे कहेंगे माँ हम तो शिव जी को इतना मानते हैं, शिव जी का इतना करते हैं, और हमें हार्ट अटैक कैसे आ गया अगर शिव जी हृदय में है। आपने तो शिव जी को सोचा कि जेब में रख लिया। अरे भाई, उनका नाम लेने से पहले आप को किसने परमिशन दी, किसने कहा कि अच्छा उनका नाम लो? एक घर किसी यहाँ के चीफ मिनिस्टर का ही नाम लेते उसके घर पे आप जाइएगा तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। और ये तो महादेव है, इनका नाम तुम ले रहे हो अपना, जैसे कुछ तुम्हारे जेब में बैठे कोई तुम्हारा नौकरी है, मेरा ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे। तो ये भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। जब हम उससे योग प्राप्त कर चुके, जब हम उस महान विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तभी भक्ति का अर्थ लगता है, उससे पहले भक्ति का अर्थ नहीं लगता। अब उसके हिसाब से लोगों ने बनाया कि तुम भक्ति करो और पागल जैसे गाते फिरो, चिल्लाओ, गले खराब करो, कैंसर कर लो गले का, नहीं तो मंदिरों में जाओ, बल कटवाओ, फलाना करो, ढिकाना करो। उसे किसी का लाभ हुआ है क्या आज तक? हमको भी सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें करने से हमें कुछ लाभ हुआ है कि नहीं। और कल हमारे बच्चे खड़े होंगे कहेंगे तुम लोग पागल हो सब, ये सब करने से परमात्मा मिलने वाले? इसलिए पहले सत्य को जान लें, जिससे हमारे बच्चों को भी हम बता सकें कि सत्य ये है। और सत्य स्वरूप आत्मा है, आत्मा से ही आप सत्य को जान सकते। जैसे मैंने कहा था कि एकमेव सत्य को जानने के लिए आत्मा का ही प्रकाश होना चाहिए। और आत्मा जब आपके चित्त में आ जाता है
तो आपका चित्त इस कदर प्रकाशमय हो जाता है कि उस चित्त से आप जिसके बारे में भी सोचते हैं, एक कटाक्ष से भी आप दूसरों का फायदा कर सकते हैं। ऐसा चित्त होता है कि जहां भी आप चित्त डालें फौरन आप जान जाइएगा कि इस व्यक्ति में क्या दोष है, इस व्यक्ति में क्या दोष है। आजकल आपको मालूम है कि हजारों ऐसे भूंदू गिरी करने वाले निकले हैं, उन्होंने पहन लिए कपड़े और निकल आए, कुछ ऐसा वैसा जंतर मंतर कर दिया, हो गया काम खत्म, और लोग उनके पीछे में पागल। कोई कोई तो जेल से छूट के सीधे काशाय वस्त्र पहन के जर्मनी चले जाते, एक से एक लोग हैं। हम उसी पे पूरी तरह से सोचने लग जाते हैं कि वाह 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 क्या है। लेकिन हमारा दिमाग लगाएं इस चीज पर, अच्छा बुद्धि से ही सोचें कि हमने क्या पाया, हमको क्या मिला। मैं माँ हूं, मैं पूछूंगी बेटे छोड़ो तुमने ये गुरु माना है ना, अच्छा ठीक है तुमको क्या मिला, भाई गुरु को चिपके चले जा रहे हो, तुमको क्या मिला, तुमको कौन सी शक्ति मिली। किसी भी गुरु के पास जाने से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। इधर हार्ट अटैक आ रहे हैं, आंखें अंधी हो रही, किसी को कुछ हो रहा है, ऐसे गुरु किस काम के। मैं तो माँ हूं, मैं तो कहूंगी ऐसे गुरु छोड़ो, बेकार की चीज, ऊपर से रुपया पैसा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। सन्यासियों को रुपया पैसा काहे को चाहिए। तो ये जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, इन भ्रम को निकालने के लिए भी हमारे अंदर आत्मा की जागृति हो तो हम फौरन समझ जाएंगे कि हमारे हाथ में ही, हम समझ जाएंगे उंगलियों के इशारे पे कोई आदमी आपके सामने खड़ा कर दीजिए बड़े ढोंग रच के आया हो, फौरन आप समझ जाएंगे मां ढोंगी। मेरी नाती ने छोटी सी थी 5 साल की, तो मेरी लड़की और दामाद गए थे लद्दाख, वहाँ पे गुरुजी बन के बैठे हुए थे एक ठेले ढेले पर, वहाँ के वो उस जगह के वो बड़े भारी गुरुजी थे, और सब जाए उनके सामने झुक जाए झुक जाए, इससे रहा नहीं गया। फिर उसके माँ बाप भी गए, उन्होंने देखा सभी झुक रहे, मैं नहीं झुकूँ तो कैसे, जाके खड़ी होकर उनके सामने सीना तान कहती कि तुम क्या सबसे पैर छुआ रहे हो, तुम तो पार भी नहीं हो, साफ कह दी। अब ये माँ बाप जरा गड़बड़ा गए कि ये कह। एक बार रमण महर्षि के प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, रमण महर्षि बहुत ही पहुँचे पुरुष थे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके यहाँ डिसाइपल्स जो है भगवान ही बचा रखे, ना किसी में रियलाइजेशन है, ना ही किसी को अक्कल है, ना कुछ, ना किसी ने कुंडलिनी की बात करी, ना किसी ने कोई आत्म साक्षात्कार की बात, कुछ नहीं, बेकार की बात है। तो एक साथ बड़ा भारी चोगा पहन के बैठे थे, कोई रामकृष्ण आश्रम के कोई बैठे थे, बड़े भारे मठाधीश। तो हमारी ग्रैंड डॉटर एक थी, दूसरी वो बैठी थी, तो उसने देखा देखा फिर उठ के खड़ी हुई, सामने बैठी थी, बहुत से सहयोगी भी थे, नानी ये मैक्सी वाले को यहाँ से भगाओ, मुझे बड़ी गर्मी आ रही है, मैक्सी वाला। तो हमारी पहचान क्या, कौन को आपका गुरु हो सकता है, वही हो सकता है सदगुरु, वो ही जो साहिब मिली है। नानक साहब ने कहा है वही सदगुरु है जो आपको परमेश्वर से मिलाता है, जो सिर्फ परमेश्वर की बात करता है, आत्म साक्षात्कार को ही सब कुछ समझता है, वही सदगुरु है, और जिसको आप खरीद नहीं सकते। जिसको आप खरीद सकते हो आपका नौकर चाकर उसे भी बदतर है। आप लोगों को खुद सोच लेना चाहिए कि हमने क्या पाया। आत्मा के बल से आप जान जाइएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और कौन हमें परमात्मा से मिलाता है। हाँ अगर आपको और गलत सलत काम करने हों
तो दूसरी बात है, वो मेरे पास नहीं। जैसे इसको मार डालो, उसको कत्ल कर दो, ये कर दो, ये तांत्रिक बना, ये मेरे पास नहीं। पर अगर आप परमात्मा को वास्तव में खोज रहे हैं और उसमें सच्चाई है, तो पहले ये सोचो कि हमने क्या पाया, हमें क्या मिला। ये बड़ी सोचने की विचार की बात है। मैं 1970 साल से इन लोगों के बारे में सबसे बताती आ रही, तो उन्होंने जाके बता दिया कि माँ आपको लोग मार देंगे। मैंने कहा मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, किसी ने मेरे ऊपर केस नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, सब चुपचाप बैठे। क्योंकि सच्चाई मुझे मालूम है, मैं तो उनके मुंह पर कह सकती हूँ कि तुम लोग सब झूठे हो, सबको बेवकूफ़ बना रहे और सबका पैसा खा रहे हो, और नर्क में ये जाएंगे और उनके साथ उनके डिसाइपल्स भी जाएंगे। ये लोग कभी आपस में झगड़ा नहीं करते। क्राइस्ट ने कहा है बहुत सा कि सैटान विल नॉट स्पीक अगेंस्ट हिज ओन हाउस। सबने एक एक कमरा ले लिया है, अरे भैया तू भी चलने दे अपना धंधा और मुझको भी चलान दे, मेरे बारे में तो कुछ मत कहना और मैं भी तेरे बारे में, तू भी अच्छा और मैं भी अच्छा, दोनों हाथ से हम पैसा इकट्ठा करें। सिर्फ पैसा ही इकट्ठा नहीं करते, आपकी कुंडलिनी खराब कर देते हैं, आपका शारीरिक आपको तकलीफ दे देते हैं। इनको क्या अधिकार है आपकी कुंडलिनी खराब करने का? या आप लोगों को सत्य से विचलित करने का? क्योंकि आप लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, आप लोग भक्त हैं, आप लोग सीधे साधे हैं, इसलिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप लोग भी उनके चक्करों में आ रहे हैं। वो भी मोहनी मंत्र करते हैं, वो लोग भी मेस्मरिज्म चलाते हैं। मैंने देखा है कि लोग मार खाते जा रहे हैं, मार खाते जा रहे हैं, घर में बीमारी पे बीमारी, सब तरह की आफत, उनके घर से लक्ष्मी उठ गई, सब कुछ, पर तो भी वो गुरु के पाँव ही नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई कुछ तो आकर रखो। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप समझ जाएंगे, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, आप अपनी बात कहेंगे भगवान बचा। अभी आपने डॉक्टर तलवार को देखा होगा, कल ऐसे ही चक्कर में थे, वो जो भागे वहाँ से तो उनका सारा खानदान, उनके सारे मित्र सब वहाँ से भागते, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े उनके घर, बड़े बड़े महल, ये सब होंगे। इससे कोई भगवान मिलने वाले हैं? आप इस चीज से सतर्क हो जाए, क्योंकि आप लोग विशेष लोग हैं। इस वक्त आपका जन्म हुआ है, आपको परम पद मिलने वाला है, और आप कोई सर्वसाधारण लोग नहीं कि जो अपने को ठगा लें या आपको नाश की ओर ले जाए। इसके लिए आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आना चाहिए, और चित्त में आते ही साथ हमारे नसों में, हमारे नर्व्स पे आ जाता है, और हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सा स्वयंभू है, कौन सा नहीं है। हर एक चीज को हम खूब अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर अंधापन नहीं रह गया, अब हमारी आंखें खुल गई। यह आत्मा का बड़ा भारी आशीर्वाद है, क्योंकि उसके प्रकाश के बगैर हम परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते। वही हमारा रास्ता है, वही हमारा मार्गदर्शक है, उसी के मार्गदर्शन में ही हम ऊंचे उठ सकते। और सबसे बड़ी चीज़ आत्मा की जो है वो ये कि आपको वो आनंद के सागर में ढकेल लेता। आत्मा का आनंद एक अपना विशेष है। अब ये लोग देखिए सब रईस घरों के हैं, यहाँ जो आए के पास मोटरें हैं, सब घर वर है, सब कुछ। अब यहाँ बेचारे कैसे भी रह रहे, 7-8 दिन से तो ट्रेनें में रह रहे हैं, और कुछ पूछो तो नहीं ना, हम तो बड़े आनंद में हैं माँ। क्योंकि आत्मा का जो आराम है, कंफर्ट है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर दुनिया भर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आपकी ईर्ष्या, आपकी घृणा किसी से, कोई सी भी ऐसी गंदी भावना है, सब फटकती ही नहीं। कोई है अपनी जगह, कोई दूसरा अपनी जगह,
कोई एक दूसरे की गर्दन नहीं काटता, कोई एक दूसरे को सताता नहीं, बस उस आनंद के सागर में सब मौज से रह रहे हैं। अब 55 देशों के लोग हैं। गणपतिपुरे में हमारा सेमिनार होता है जहाँ सब आएंगे, अभी भी आए हैं पर और आने वाले। ये कभी लड़ते नहीं आपस में, कभी झगड़ते नहीं, कोई नोच खसोट नहीं, कोई कभी झूठ बोलना नहीं, कोई पैसा खाना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जब ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे तो सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। धर्म के मामले में सब धर्मों में हमारा विश्वास है, एक ही धर्म को लेकर बैठे, हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है। हो गया झगड़ा शुरू, आपका धर्म का सबसे अच्छा है तो क्यों नहीं सारी दुनिया में आपने शांति प्रस्थापित कर दी। तो ये हम लोग विश्व धर्म के मानने वाले हैं, क्योंकि आत्मा विश्वव्यापी है, सबके अंदर एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है और सब लोग सामूहिक हैं, और सारे विश्व में अगर हृदय में एक ही आत्मा का प्रकाश है तो फिर हमारा कैसे धर्म अलग हो सकता है। हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई हैं, जूज हैं। अब जूज लोग ईसा मसीह को नहीं मानते, ईसा मसीह को मानते हैं। मुसलमान लोग गणेश जी को मानते हैं, यहाँ पर भी एक दो आए हुए, और हिंदू लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, क्योंकि उनकी खूबियां हमें पता नहीं। जैसे घोड़े को बांध देते हैं ना ब्लिंकर्स, ऐसे हम लोगों ने बांध लिया, हमारा धर्म सबसे अच्छा। फिर जो धंधा करना हो धंधा करो, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई से भी धंधे करने में हर्ज नहीं, पर हम ये हैं, हम इस जाति के। विश्व धर्म की स्थापना अब हो गई और ये लोग सब विश्व धर्मी हैं। हर धर्म का मान है, हर तरह के लोगों का मान है, हर देश के लोगों का मान है, और सबसे अधिक जितने अवतरण हो गए, जितने प्रेषित हो गए, माने प्रॉफिट्स हो गए, जितने दृष्टा हो गए, जितने संत हो गए, इन सब का विश्वव्यापी स्वरूप समझ करके ये लोग उनको मानते हैं। मानने का मतलब ये नहीं कि मैंने मान लिया, मैंने राम को मान लिया, बस राम को मान लिया इसका मतलब आप राम हो गए क्या? आपके अंदर राम के कौन से गुण आए बताइए? श्री राम को तो आपने मान लिया, और आपके अंदर कौन से गुण आए? अभी एक साहब मिले थे, बड़े भारी मिनिस्टर, कह श्री राम को मैं मानता हूँ, अपना भतीजा, अपना भांजा, अपना ये, उसको सबको नौकरी लगा रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने तो अपनी बीवी को तक छोड़ दिया और आप ये सब रिश्तेदारी लगा रहे हो, तो कहाँ से राम को मानते हो? मैं तो राम को मानता हूँ, माने राम बड़े कि आप। इस तरह की हम अपने साथ छलना करने से कोई फायदा नहीं, हमें अपने साथ बड़ी ईमानदारी रखनी चाहिए, और इस ईमानदारी में हमें एक प्रेम से सोचना चाहिए कि भाई हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने लिए क्या माना, हमने अपना कौन सा उद्धार कर लिया, हम कौन से ऐसे विशेष प्रदेश में गए, ऐसे कौन से महान उच्च विचारों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर मान लेने की बात क्या? मानने का मतलब है कि हमारे जीवन में उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए कि आपने अगर किसी को मान लिया है तो आप में भी उसकी कोई ना कोई छवि है, उसका कोई ना कोई अर्थ है, वो कोई ना कोई मतलब रखता है, उसका आपके जीवन में भी कोई ना कोई प्रादुर्भाव है। जब तक ये चीज़ नहीं दिखाई देगी तब तक आप किसी को भी मानते रहें, मंदिरों में जाएं, चाहे मस्जिदों में जाएं, चाहे गिरजों में जाएं, चाहे दरबार साहब पढ़े, सब एक ऐसी चीज़। उससे अब बच्चों में ये बात आ गई कि क्यों ये सब करें हम, और सही भी बात है क्योंकि वो बुद्धि लगाते हैं।
आपको चाहिए कि अब धर्म को आप पूरी तरह से जानें और इस धर्म को क्यों पालन करना है, क्यों धर्म को पालन करने को कहा था, क्योंकि जब तक धर्म के सहारे हमारे अंदर संतुलन नहीं आ जाएगा तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती, हम चढ़ नहीं सकते, हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए इस संतुलन के लिए इन्होंने कहा था कि धर्म में रहो, पर सहयोग में आप अधर्मी भी हो कोई हर्ष नहीं, आपको पहले संतुलन में बिठा देंगे और फिर आपको उड़ा देंगे। रिपेयरिंग शॉप है सहयोग, सब तरह का इंजीनियरिंग इसमें होता है। कोई का राइट साइडेड है तो उसको राइट साइड में बिठा, लेफ्ट साइड में करके बीच में ले आएंगे, बस बीच में ला के और बच्चे में आते साथ उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, आपकी जो भी मशीनरी जैसी भी हो वो सब ठीक करने के यहाँ माहिर लोग हैं, और एक दिन आएगा आप भी सब ठीक कर लेंगे बगैर स्क्रू ड्राइवर किसी चीज़ के, आप सबके स्क्रूज ठीक कर देंगे, या आपके अंदर शक्ति आ जाएगी बिल्कुल। और ये आते ही साथ देखिएगा आप, एक आदमी हजारों लोगों को पार कर सकते, कुछ आप कम है किसी से? अरे ये गुरु लोग जिन्होंने कुछ पाया नहीं, जिनके पास सत्य भी नहीं है, लालची झूठे, इन लोगों ने अपने तो इतने ये बना लिया, और तुम सच्चे लोग होकर के तुम कुछ नहीं बना रहे। अपनी शक्ति को जानो, मुझको मान लेने से कुछ फायदा नहीं, मुझको मानने से क्या फायदा है, कुछ भी नहीं। आपकी शक्ति को मानो, उसको जगाओ और उसके शक्ति स्वरूप हो जाओ। तो आज मैंने आपसे बताया है कि आत्मा से आपको किस तरह से आपका चित्त आलोकित हो जाता है, और आप सत्य को किस तरह से जानते हैं, और किस तरह से आप आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये सब चीज़ें वास्तविक में होती हैं, ये कुछ मैं ऐसी बातें नहीं बता रही हूँ कि जिससे बच्चों को माँ भुलाती रहती है, वास्तविक सच्ची बात है। और ये सब आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अपने साथ सच्चाई रखो और अपने को किसी के हवाले मत कर दो। अब क्या करूं मैं इस गुरु का शिष्य हूं, क्या तुम इसलिए पैदा हुए थे कि इस गुरु के शिष्य बने रहो जिंदगी भर? तुम किस लिए पैदा हुए थे? नाम आनंद और शक्ल देखिए तो ऐसी कि अभी कब्र में जा रहे। तुम्हारे माँ ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हारा नाम आनंद रखा था, पता हुआ उस गुरु की मैं सेवा कर रहा था माँ तो ऐसा ही हाल हो गया मेरा, कैंसर से मर रहा हूं। अगर तुम कैंसर से मर रहे हो तो तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है? इस महान बेला में, इस महान समय में आपका जन्म हुआ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, और इस भाग्य को समझ करके अपने स्वरूप को पहचानो, अपने को जानो, आत्मबोध को प्राप्त कर लो, और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपका क्या हाल होगा। एक से एक लोग तैयार होंगे, यही हमारे देश का भी भविष्य है, बड़ा ऊंचा भविष्य है। अभी घबराओ नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे, आप अपने को सब ठीक कर लीजिए पहले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा है आप लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, माँ को तो सच्ची बात बतानी पड़ती है, जो सच है वही मैं तुमसे बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हैदराबाद में बहुत से लोग सहयोगी हो जाएं, सो सारे दुनिया से लोग यहाँ आए आपके पास, क्योंकि ये भूमि कोई विशेष मुझे लग रही है। पता नहीं, मैं पूछ रही थी कि यहाँ क्या बात है कि यहाँ के इस कदर चैतन्य इतना ज़्यादा आकाश में दिखता है मुझे, तो कोई ना कोई विशेष चीज़ है जिसलिए आप यहाँ आए हैं, और कोई ना कोई विशेष आप भी हैं जिसे आप विशेष पा रहे। मेरा आपको सबको अनंत आशीर्वाद।
मैं एक साल बाद आऊँगी, मेरा तो साल से पहले आना होता नहीं, लेकिन तब तक आप लोग बड़े बड़े वृक्ष हो जाइए, और यहाँ जो सहयोगी लोग हैं उनकी बातें बुरा नहीं मानना, अगर वो कुछ बताएं तो बुरा नहीं मानना, वो लोग भी ऐसे ही थे, फिर वो लोग भी ठीक हो गए, और अब आप लोग भी सब ठीक हो जाएंगे। इसलिए जो कोई भी तकलीफ़ हो या कुछ भी हो वहाँ बता देना। दूसरी बात, आप लोग चाहें तो मुझे चिट्ठी भी लिख सकते हैं, पर मेरा तो घूमती रहती हूँ मैं, पर जहाँ भी रहूँगी आपकी चिट्ठियाँ आ सकती। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसमें लगन से इसको प्राप्त करें, सारा ज्ञान आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल उसमें कुछ करने का नहीं, पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। समय ये कि आप जाएं प्रोग्राम में, वहाँ लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और प्राप्त कर लें। अब इसके बाद हम लोग कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करेंगे। जिन लोगों को कुंडलिनी जागरण नहीं चाहिए उन पे बिल्कुल ज़बरदस्ती हो ही नहीं सकती, क्यों, ये जीवंत क्रिया है। मैंने कल भी कहा था, जैसे एक बीज है उसको अपने ही आप पनपना पड़ेगा, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। इसी तरह से जिनको मन में शुद्ध इच्छा है कि हाँ मेरा आत्म साक्षात्कार हो जाए, आत्मबोध हो जाए, वही लोग बैठें और बाकी लोग जो हैं वो न रहें तो ही अच्छा है। Why a human being is rejected, objected to cosmic illusion? ये प्रश्न ठीक है कि माया क्यों, मनुष्य पे माया क्यों आती है। उसमें यह है कि मनुष्य की जो उत्क्रांति है वो धीरे धीरे हुई है, इवोल्यूशन धीरे धीरे होकर मनुष्य की स्थिति में है। अब मनुष्य की स्थिति आने पर उसे एकदम से स्वतंत्रता दे दी गई कि अब तुम खोजो। अब वो उसमें गलती करता है, कभी ठीक चलता है, कभी, जैसे समझ लीजिए मोटर आप चला रहे हैं तो पहले आप कभी ब्रेक चलाते हैं तो गाड़ी नहीं चलती, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो बड़े ज़ोरों में गाड़ी चलती थी, फिर वो बैलेंस करते हैं। तो सीखने के लिए ज़रूरी है कि इल्यूजन हो, नहीं तो आप सीखेंगे ही नहीं। मनुष्य इतना हठी है कि उससे अगर कहा जाए यही एक रास्ता चलो इससे, कभी नहीं जाएगा। इससे जाने करें मैं उसी से जाऊंगा, बड़ा हठी जीव है मनुष्य, इसलिए उसको इल्यूजन की ज़रूरत है। पशु तो पाश में है परमात्मा के, लेकिन मनुष्य इल्यूजन के बगैर समझ नहीं सकता, वो आगे जाएगा ही नहीं, हठी जीव है। और ऊपर से उसको स्वतंत्रता है, चाहे तो वो नरक में जाए और चाहे तो वो स्वर्ग में जाए। अब कहो कि यही रास्ता स्वर्ग का है तो कह नहीं मैं तो नरक के रास्ते जाऊँ, जाओ भाई अब करे क्या, ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती। इसी निर्विचार अवस्था में अब हम कुछ क्षण निशब्द ध्यान करते हैं।
जय श्री माता जी। श्री माता जी के चरणों पर प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें श्री गणेश जैसा अबोध बनाइए। एक माँ के प्रति जो बच्चे का समर्पण होना चाहिए, ऐसा समर्पण हमें दीजिए। श्री माता जी, आपके चरणों पर कोटि कोटि नमन। अब हम सामूहिक बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री माता जी।